नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा देव आप सभी का अपने इस चैनल भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, स्वागत करता हूं। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और अपने गौरवमयी भारत इतिहास के बारे में जानने के लिए बनाया है, और जो मेरी पास जानकारी है ये आपको पहुंचाने का एक उद्देश्य होगा, जिससे हम अपने देश के जो इतिहास है, भारत का जो गौरवमयी इतिहास है, जिस पे आप अपना पूरा फोकस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, गौरव महसूस कर सकते हैं, और हमारे देश का जो विकास है वो किस तरह से होता है वो सब आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। सवाल ये उठता है कि कल क्या हुआ, कैसे हुआ, आप कैसे जान पाएंगे? इसके लिए तो आप या रेडियो सुन सकते हैं, या टेलीविज़न देख सकते हैं, या अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ये भी जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, आप लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की यादगार हो या उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ ये कैसे जाना जा सकता है, इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इतिहास की किताबें पढ़ें, या फिर आजकल के नए ज़माने में गूगल साहित्य के गूगल के द्वारा भी आप सारे चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन सही जानकारी आपको मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से एक शानदार शुरुआत कर रहा हूँ। ये मेरा वीडियो मुश्किल से 10 मिनट से 12 मिनट हर एक एपिसोड के लिए बनाऊँगा, जिसमें आपको अपने इस इतिहास का वन बाई वन, अध्याय बाई अध्याय, आप सारे अपने इतिहास को जान पाएंगे, हमारे देश के इतिहास को जान पाएंगे और अपने ही पूर्वजों के बारे में जान पाएंगे। इसमें आप क्या क्या जान सकते हो, जैसा कि मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ इस आधार पर, जैसे कि एक उदाहरण बता रहा हूँ इस आज पहले अपने एपिसोड में, कि अतीत के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए, हम लोग क्या जान सकते हैं। तो अगर हम इतिहास की शुरुआत करें तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप जान ना सकें। जैसे कि सबसे बहुत पहले की बात करें, अगर आपसे ये जब कभी दिमाग में सवाल आता हो कि बहुत पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, या शिकार क्या होता था, पशुपालक कैसे शुरू हुआ, कृषक क्या थे, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकारों, और या फिर वैज्ञानिकों के पूरे जीवन के बारे में आप जानकारी हासिल कर पाएंगे, ये सब कैसे जान सकते हैं। यही नहीं कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। सबसे बड़ा आपके सामने ये इतिहास के माध्यम में ये सारे चीज़ें जानकारी मिलेंगे, और इससे सिर्फ आप ये जान पाएंगे कि हमारे देश का विकास कैसे हुआ और आने वाले समय में हम इसका और कैसे अपने देश के विकास में आने वाली पीढ़ियों के लिए भागीदारी दे सकते हैं। पहले लोग कहाँ रहते थे, कई लाख वर्ष पहले की अगर बात करें तो आप पाएंगे कि कुछ लोग नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि उस समय वो लोग पुराने ज़माने के जो लोग थे वो सिंपली इस मामले में माहिर थे कि वो सारे जो ज़रूरी चीज़ें होती थी वो आसपास के जंगलों से जो भी संपदाएं होती थी उन्हें परिचित होते थे और उन्हें इकट्ठा करते थे। जैसे कि आज हम सब मिस कर चुके, हमारे प्रकृति में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम उन चीज़ों को जानकारी के अभाव में हम उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाते। इवन एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं कि मैंने अभी एक बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ, क्लास 5 का स्टूडेंट है, मैंने उससे पूछा कि बेटा ये बताओ पानी कहाँ से आता है आपके घरों में, तो उसका आंसर था जी नल से आता है। मैंने कहा नल में पानी कहाँ से आता है, तो कहता टंकी से आता है। फिर मैंने कहा टंकी में पानी कहाँ से आता है, तो उसने कहा टंकी में नगर निगम वाले देते हैं। मैंने नगर निगम के पास पानी कहाँ से आया, उसके बाद वो जवाब देना असफल हो गया, उसके पास उसके समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियाँ उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ये जो संपत्ति है, जैसे कि पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, ये सब कहाँ से आए, इनकी रक्षा कैसी करनी चाहिए, इन्हें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब समय की डिमांड है कि हमें प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम इतिहास के बारे में अपने आप को, अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको बताएं। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा यही उद्देश्य है कि आप कैसे अपने पीढ़ियों को इतिहास की जानकारी दे सकते हैं, जिससे वो उनका मानसिक विकास होगा और जिससे वो प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम जगेगा,
इससे वो आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों के पीढ़ी दर पीढ़ी को जो प्रकृति का जो संसाधन है उसको रक्षा करने में, उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये जो मेरा पहला जो आपका चैनल था, जो पहला दिन आज हमने आप सबके सामने रखा था, इसका नाम हमने लिखा जाने क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा भी आप इतिहास के परत दर परत सारी चीज़ों को जान सकेंगे। तो अभी मेरा जो पार्ट वन, जो अभी मैंने ये आपके सामने जो स्पीच दिया, इसका उद्देश्य यही है कि मैं वन बाय वन सारे चीज़ों को शुरू करूँगा और आपको आज के ज़माने में किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कह सकता हूँ नॉलेज बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं, सिंपली आप अपने स्पीकर को कान में ईयरफोन लगाइए और मेरे कहे हुए शब्दों को रोज 10 मिनट में सुने, डेफिनेटली आपको वो फायदा मिलने वाला है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, और आपको इतिहास में भी बहुत अच्छा रुचि मिलेगा और इसके माध्यम से आप आगे और अपने पीढ़ियों को भी बता सकेंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा, मैं जल्दी ही मिलता हूँ अपने अगले चैनल में। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू।